कांग्रेस की बड़ी मीटिंग से चुनावी माहौल बनाने में भी बहुत मदद मिलने वाली है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि ईडी की रेड और पवन खेड़ा की गिरफ्तारी से बीजेपी को नुकसान होगा। भूपेश बघेल से हमारी संवाददाता रंजीता झा ने बातचीत की है। रायपुर में कांग्रेस का 3 दिवसीय अधिवेशन जिसकी शुरुआत हो चुकी है और हमारे साथ बात करने के लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है। बघेल साहब, 3 दिन महामंथन, इस मंथन से क्या कुछ निकलेगा कांग्रेस पार्टी के लिए? देखिए, आज राष्ट्रीय महाधिवेशन की शुरुआत है और इसमें सारे राष्ट्रीय नेता हमारे आ चुके हैं और पूरी व्यवस्था हो चुकी है और इसमें अलग अलग कमेटियों की बैठक अब होने वाली है और इसके बाद जो सब्जेक्ट कमेटी है वो फिर तय करेगी किन किन विषयों में जो कमेटी बनी है वो कब कब बात रखेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के प्रारंभिक उद्बोधन होगा, अध्यक्षीय उद्बोधन होगा, उसके बाद सारी कार्रवाई प्रारंभ होगी। तो मैं समझता हूँ कि वो सारे मुद्दे, चाहे वो कृषि नीति हो, अर्थनीति हो, चाहे शिक्षा की नीति हो, चाहे उद्योग नीति हो, चाहे विदेश नीति हो, सब विषयों पे चर्चा शुरू हो चुकी है और उसके बाद उसको प्लेनरी सेशन में प्रस्तुत किया जाएगा और उसके बाद फिर 26 तारीख को आम सभा होगी। अधिवेशन की शुरुआत 2 विवादों से, एक तो ईडी का छापा और दूसरा पवन खेड़ा की गिरफ्तारी, ये दोनों ही मुद्दे क्या कांग्रेस पार्टी को कमजोर करने के लिए या फिर इसको लेकर आपको लगता है कि चुनाव में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को इससे नुकसान हो सकता है? कोशिश इनकी यही थी लेकिन कांग्रेस पार्टी इससे और मजबूती के साथ उभरा है। देश जान चुका है कि ये जो छापे हैं और जिस प्रकार से पवन खेड़ा जी के साथ जो व्यवहार किया गया है ये केवल कांग्रेस को रोकने के लिए किया गया है, बल्कि ये दांव उल्टा पड़ गया है। और वर्किंग कमेटी का चुनाव होगा या नहीं, क्योंकि आज सबसे बड़ा सवाल यही है? तो वो शाम तक पता चल जाएगा। और एक अंतिम सवाल, गठबंधन को लेकर क्या लगता है विपक्षी पार्टियों का गठबंधन, क्योंकि टीएमसी आंख दिखा रही है कांग्रेस को, कांग्रेस भी टीएमसी के सामने आमने सामने दिख रही है, कैसे होगा 2024 का सपना कांग्रेस कैसे पूरा करेगी? देखिए, कांग्रेस पूरे देशव्यापी पार्टी है और सभी राज्यों में है, सभी बूथों में है, तो बिना कांग्रेस के कोई गठबंधन सफल नहीं हो पाएगा। चलिए, धन्यवाद भूपेश बघेल हमारे साथ बात करते हुए। रंजीता झा, टाइम्स नाउ, नव भारत, रायपुर। तो भूपेश बघेल को यहाँ पर आपने सुना, उनका ये कहना है कि कांग्रेस के बिना कोई भी जो एक बड़ा गठबंधन है वो साकार ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि सबसे पुरानी पार्टी है, पूरे देश में फैली हुई है। और इसी के साथ में देखिए, आज का दिन महत्वपूर्ण है क्योंकि 3 दिनों का ये अधिवेशन जो है वो कांग्रेस का होने जा रहा है। ये सीधी तस्वीरें देखिए इस वक्त की हम आपको दिखा रहे हैं, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं, कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता जो है उनकी तस्वीरें आप देख सकते हैं यहाँ पर। बड़े प्रस्ताव ऐसे हैं जो इस महाधिवेशन में पास होने जा रहे हैं, क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव, उसको लेकर तैयारियां होनी है और इस साल में जो 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं उसको लेकर भी चर्चा होगी और भी कई अहम मुद्दे हैं। देखिए, जो पहले दिन के विषय बहुत मुख्य रूप से जिन पर चर्चा यहाँ पर होगी, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय मामले हो, कृषि, सारे संबंधित मामले जो हैं, सामाजिक न्याय हो, शिक्षा संबंधी प्रस्ताव हो, सबको लेकर चर्चा जो है वो इस महाधिवेशन में होने जा रहे हैं। रायपुर से ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जैसे हमने आपको बताया छत्तीसगढ़ में भी देखिए चुनाव होने हैं, मध्य प्रदेश में भी चुनाव होने हैं, बाकी राज्यों में चुनाव हैं, छत्तीसगढ़ को इसलिए चुना गया है, वहां पर सरकार भी देखिए कांग्रेस की है और कोशिश यहां पर यह होगी कि एक बार फिर से सरकार वहां पर भी दोहराई जा सके, इस तरह से काम वहां पर किया जाए। अब कैसे जमीन पर काम होना है, किस तरह आगे बढ़कर अब सारी की सारी प्लानिंग होनी है, उसको लेकर चर्चा इस महाअधिवेशन में की जानी है। ये बड़ी खबर, ये बड़ी तस्वीर इस वक्त की हम आपको दिखा रहे हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से सीधा, जहां पर महाधिवेशन है वो शुरू हो चुका है। रंजीता हमारे साथ, हमारे सहयोगी जो है वो सीधा जुड़ चुके हैं। रंजीता, सीधी तस्वीरें हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, कांग्रेस के तमाम बड़े नेता हैं, पहले दिन इस महाधिवेशन में क्या क्या खास रहने वाला है? बिल्कुल, देखिए 3 दिवसीय इस अधिवेशन की शुरुआत आज से हो रही है, रायपुर में इस अधिवेशन को किया जा रहा है और तमाम जो स्टेयरिंग कमेटी के सदस्य है, क्योंकि नए अध्यक्ष का चुनाव हुआ है, मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अब नए अध्यक्ष हैं और ऐसे में जब नए अध्यक्ष बनते हैं उसके बाद उनके द्वारा चुना हुआ या चुनाव के जरिए कांग्रेस की जो सर्वोच्च कमेटी है, वर्किंग कमेटी, उसका चुनाव किया जाता है और जब तक ये प्रक्रिया नहीं होती तब तक वर्किंग कमेटी को ही स्टेयरिंग कमेटी के तौर पर रखा जाता है और उसी
स्टेयरिंग कमेटी की बैठक अभी कुछ ही देर में शुरू होने वाली है, जिसमें तमाम जो नेता है वो पहुंचने शुरू हो चुके हैं। केसी वेणुगोपाल संगठन महासचिव, वरिष्ठ नेताओं में अगर बात की जाए तो मुकुल वासनिक, मीरा कुमार, सलमान खुर्शीद, सरीखे नेता जो है वो पहुंचे हुए हैं, हरीश रावत उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं। स्टेयरिंग कमेटी की इस बैठक में ये फैसला होगा कि वर्किंग कमेटी का चुनाव हो या ना हो। और